गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेवेंथ क्लास जीके लेक्चर। इन दिस वी विल रीड प्रॉपर क्लासरूम एटीक्यूट इन प्रीवियस क्लासेस। सो व्हाट यू हैव टू यू शुड केयर प्रॉपरली फॉर देयर क्लासरूम एंड नीड फॉलो प्रॉपर क्लासरूम एटीक्यूट्स। सो वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस honor of your class, honor of your teachers। so आपको क्या क्या चीजें आपकी क्लास के अंदर ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें अपने टीचर के लिए ध्यान में रखनी है। so today we will discuss about honor your classmates। so but you have to honor your classmates। do not interrupt the class by entering late। If you are late, then do not interrupt class by entering late। Treat your classroom with respect and courtesy। You have to respect your classrooms, classmates, and courtesy। So treat your classrooms। Be polite to every classmates। आपको सारे के सारे जो अपनी क्लासमेट्स हैं उनके साथ पोलाइटली रहना है, पोलाइट रहना है, ठीक है। सो दीज आर द सम एटीट्यूड यू हैव टू रिमेम्बर, हॉनर टू योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान में रखना है। कभी भी क्लास को इंटरप्ट नहीं करोगे लेट आकर, ठीक है। अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो क्लासरूम्स हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से एक ईमानदारी के साथ रहना है। एंड बी पोलाइट योर एवरी क्लासमेट्स। आपको अपने जो सारे के सारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना है, पोलाइटली रहना है। सो दीज आर द एटीट्यूड यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्लासमेट्स। नाउ honor yourself, what you have to do with yourself, focus on the lesson being taught by your teachers। जो lesson आपको आपके teacher के द्वारा study करवाया जा रहा है उसके ऊपर आपको पूरा focus रखना है। Now what is second, practice good posture at all time, avoid leaning and sitting down। You have to practice good posture at all times, avoid leaning and sitting down। आपको हमेशा ही एक्टिव होके आपकी क्लास में बैठना है, लीनिंग एंड सीटिंग डाउन, ऐसे सुस्त होके अपनी क्लास में नहीं बैठना है। कीप योर माइंड ओपन फॉर ऑल न्यू इंफॉर्मेशन, प्री फॉर्म्ड आइडियाज मे बी इनकरेक्ट। सो यू हैव टू keep your mind open for all new information, preformed ideas may be incorrect। जो आपके पहले से खुद के बनाए हुए ideas हैं वो आपके incorrect हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। आपको हमेशा अपने mind को open रखना है किसके लिए, जो आपको नई information दी जा रही है teacher के द्वारा, classmates के द्वारा, आपके elders के द्वारा। so वो आपको क्या करनी है, gain करनी है। So, what are the next attitude? Concentrate on what the teacher tells। आपको इस चीज पे भी कंसंट्रेशन करना है कि टीचर आपको क्या कह रहा है। Maintain cleanness and personal hygiene। You have to maintain cleanness and personal hygiene। आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास भी आपको जो चीजें हैं वो क्या रखनी है, साफ सुथरी रखनी है। Courteously ask intelligence and throughout provoking questions। So आपको विनम्रता से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं। You have to ask questions to your teachers। Now be honest and loyal to your teacher and classmates, take pride in your school। So You have to be honest and loyal। आपको अपने टीचर्स और जो क्लासमेट्स हैं
उनके प्रति आपको क्या रहना है, ईमानदार रहना है। सो यू हैव टू बी लॉयल एंड होनेस्ट टू योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। सो इन दिस लेक्चर एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल स्टडी प्रॉपर क्लासरूम एटीट्यूड्स। यू हैव टू फॉलो ऑल दीज एटीट्यूड्स इन योर क्लासरूम, इन योर हाउस, वेयर यू लिव। सो आप जहां पर भी हो, आपको हर जगह पे इन एटीट्यूड्स का क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इन्हीं एटीट्यूड्स को क्या करना है, फॉलो करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू।